जुनेद सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा अभी फिलहाल भिवंडी में ताजा स्थिति क्या है? अभी शांत, पूरी शांति है, कोई ऐसा माहौल नहीं है, पूरा पुलिस के अंडर कंट्रोल में है वो माहौल। और बात तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो कितने जो है SRPF के जवान थाने पुलिस के? कल से लगाए हैं और आज भी बहुत सारा फोर्स आया है। आज जो ईद मिलाद का प्रोसेशन है, लास्ट टाइम भी पूरा शांतता से गया था और इस साल में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों ने पथराव किया, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई? नहीं नहीं, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में कोई कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन लोगों को क्या हिरासत में लिया गया? कुछ नहीं, अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। पूरे टीप में जाना पड़ेगा क्योंकि भीड़ में से वो सब काम निकालना पड़ता है, जैसे घास में से सुई निकालना, वैसे बात है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाएगी? उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं खाली आह्वान करूँगा लोगों को, जो माहौल भिवंडी का बहुत बेहतरीन है, पहले जैसा नहीं है, वो माहौल बनाए रखे, कोई भी कानून हाथ में नहीं ले। पुलिस करके क्या तलाशी जारी है आगे? हाँ, वो कर देंगे पुलिस, अपना तपास काम कर देंगे पुलिस व्यापारे के बाद से, और लोगों ने शांति बनाए रखे, कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना है। हम पूरी तैयारी के साथ, पुलिस दल पूरा तैयारी के साथ है, कुछ कोई भी इलीगल एक्टिविटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा हमें लीगल एक्शन लेंगे। एक आखिरी सवाल खाली आपसे पूछना चाहूंगा, पहले ही खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया हुआ था कि ऐसी घटना हो सकती है, बावजूद इसके पुलिस इसे रोकने में नाकामयाब गई, क्या ये पुलिस का फेलियर मानते हैं? ये पूरा गलत है, हम पूरी तैयारी के साथ 12 महीने 7 दिन रहते हैं, हम पूरी तैयारी हमेशा रहते हैं, पुलिस महाराष्ट्र पुलिस है, कभी भी ऐसी तैयारी नहीं, ऐसी होती नहीं, हम पूरी तैयारी के साथ हमेशा रहते 24 घंटे। लेकिन ये घटना हो गई, घटना तो होती है कभी, वो इतना भीड़ है, बहुत सारा क्राउड है, तो हो जाता है, तो वो हम बिगर ट्रैक्शन से हम सब करेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना कि ACP देशमुख एक विवादित बयान यहाँ पर देते हुए कि ये ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं और भीड़ होती है तो घटना हो जाती है, क्या यही पुलिस का काम है, क्या यही पुलिस का जवाब है, ये आपको तय करना है। भिवंडी में बीती रात पहले पथराव की घटना हुई, उसके बाद में दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई, आखिर इस पूरी घटना को लेकर के, खासतौर से गणपति की मूर्ति में पथराव की घटना को लेकर के भिवंडी का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर कई सारे जो मुस्लिम युवा है उनके साथ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैं इमरान जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्या ये घटना वाकई में निंदा करने वाली नहीं, क्या आपको लगता नहीं कि एक दो मुसलमान लड़के ऐसे हैं जिन्हें कोई बात की जानकारी नहीं, वो पूरे कौम का पूरे समाज का जो नाम बदनाम करते हैं? देखिए, मैं खाली एक मुसलमान कौम की बात नहीं करता हूँ, जो भी ऐसा आदमी है वो ये समाज के लायक नहीं है। अभी गलती किसने किया, जो भी गलती किया उसको सजा बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान समाज का हो चाहे गैर मुस्लिम समाज का हो। और ये जो शहर का वातावरण, चंद लोग जो खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग कोई समाज के है भी नहीं, ये लोग समाज के खिलाफ वाले लोग हैं और दहशत और ये निर्माण करने वाले लोग। आपको लगता है दंगा फैलाने की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ समाज को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई फतवा निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर किया जा सकता है कौम के? अभी ऐसा तो ये इस माहौल में करना नहीं चाहिए पब्लिक को, अभी दोनों पक्ष का मतलब कहता है व्यवहार है, सबको समझ के लेना चाहिए। लेकिन जो किया वो गलत है? वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, इक्का दुक्का लोग जो है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको मानना? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, त्यौहार अपना अपना अपने अपने तरीके से मनाया जाए, अमन शांति से मनाया जाए, ये हमारा संदेश। मेरे साथ कुछ और भी युवा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गणपति का विसर्जन यहाँ होता है, गणेश की मूर्ति निकलती है और उस पर पथराव होता है और बाद में आरोप लगता है कि जो मस्जिद के पास कुछ जो लड़के खड़े थे उन्होंने ये किया, उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में मिला गया, कितना जो ये निंदनीय घटना आपको लगती है? बहुत निंदनीय घटना लगती है और ये घटना होना नहीं चाहिए था, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, ये भिवंडी की और महाराष्ट्र की एकता है, सिख हो सिखाई हो कोई भी हो सब एकता के साथ है, ये जो हुआ ये गलत हुआ है। यहाँ के लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, ये अभी मालूम तो नहीं है, तहकीकात होंगी इसमें समझ में आएगा कौन कहाँ का है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के ऊपर, ये क्या बाहर की कोई ताकतें हैं जो आकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर? बाहर की ताकत तो नहीं है, पर जो भी हुआ यहाँ पे होना नहीं चाहिए, आज हम इतने साल से सब बना रहे एक साथ मिलजुल कर, तो इसी तरह मिलजुल कर बनाना चाहिए। जो यहाँ पर युवा है जो जिन्हें ये समझने की, आपको लगता है कि समाज के जो बड़े लोग हैं उन्हें सामने आकर के इन्हें समझाना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दे ताकि दो समुदाय के बीच में जो है अशांति ना फैले? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बड़े लोगों को आगे आकर जो है वो समझाना चाहिए। इस तरह का हैट्रेड जो है वो भिवंडी में आज तक देखने के लिए नहीं मिला है, मगर अब हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं। मेरे हाथ में, खुद के हाथ में मिरर है, मेरी पूरी गाड़ी जो है रात में तोड़ दी गई, उसका दूर दूर तक भीड़ से क्राउड से कोई ताल्लुक नहीं, मगर उतना अंदर एरिया में आके इस फोन पैटरिंग का मामला यहाँ पर आया है, पूरी गाड़ी तोड़ गई। मैं पूछता हूँ कि ये जो भरपाई है वो कौन कर देगा? भले ही जो है ये हमला जो है गणेश की मूर्ति पर हुआ, लेकिन आपके मन में इस पूरी घटना को लेकर कितना गुस्सा है? देखिए, जो आपको पहले कहा कि यह घटना होना नहीं चाहिए,
लेकिन साथ ये भी बोलना है कि घटना को लेकर गुस्सा है आपके मन में? नहीं, गुस्सा तो ही है। देखो, गुस्सा दोनों समाज में रहेगा थोड़ा, क्योंकि आप देखिए ये मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक मामला गलत हो गया था। हमेशा जैसे अमन शांति जाते थे, मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक क्या नारा लगाया कल वहाँ जय श्री राम का नारा मस्जिद के गेट में मारा जा रहा था, वो भी नहीं होना चाहिए। जय श्री राम का नारा देना गलत है? हाँ, गलत है, ये बात गलत है। अभी किसी के भी मजहब के पास जाएगा कोई भी, जय श्री राम का नारा देना गलत है? नारा देना गलत नहीं है, मस्जिद हो दरगाह हो, उसके सामने आप खड़े रह के नारा देंगे तो जय श्री राम नारा कहना गलत है? मस्जिद के गेट के सामने नहीं मारना, मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा नहीं देना। देखिए कोई भी अभी हम देखो कोई भी समाज बेकाबू हो सकता है? नहीं नहीं, मुस्लिम बेकाबू होगा नहीं, आप कोई भी समाज को, आप किसके भी घर में जाके किसको भी गाली दोगे, किसको भी कुछ बोलोगे, मंदिर के सामने अल्लाह अकबर बोले तो लोग नारा लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप मेरे पास आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी मंदिर के सामने मुसलमान ने जाके अल्लाह नारा तकबीर अल्लाह अकबर नहीं बोलना चाहिए, और वैसे ही कोई दूसरा समाज भी अगर चलते चलते जय श्री राम बोलते हुए जाए तो पहले वो देख ले कि आसपास यहाँ कोई मस्जिद है कि मस्जिद है कि नहीं है। इतना तो हमको भाईचारगी से सब जगह रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाते जाते कहीं पे भी मंदिर के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर ये मत करना। यानी जय श्री राम बोलने से पहले देख लिया जाए आसपास का माहौल क्या है, यहाँ पे कौन लोग है? नहीं, आपको जय श्री राम बोलने का मना ही नहीं है, आपको मना ही नहीं है, किसी को भी मना ही नहीं है। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हर आदमी को अपने अपने भगवान को अपने अपने अल्लाह को मानने की इजाजत देता है, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, त्यौहार अपने अपने तरीके से अपना अपना अमन शांति से मनाना चाहिए। अभी आपको लगता है कि सजा होनी चाहिए उन्हें कुछ कार्रवाई? जरूर जरूर, क्यों नहीं होना चाहिए? शांति की क्या अपील आप बना जो लोगों से करना चाहिए? अमन और शांति का त्यौहार है और उसको शांति से रहना चाहिए कोई भी समाज। मेरा यही बोलना है कि जो चाहे मस्जिद के सामने जय श्री राम नारा जो लोग जानबूझकर मानते हैं वो लोग भी गलत है, और जो लोग मुसलमान जो जाके अगर मंदिर के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं वो भी वो मुस्लिम समाज के लोग गलत है। कहीं ना कहीं यही बात को लेके जो असमंजस है, ना समझी है या डाउट है, क्या जो मौलाना या मुफ्ती इनका यही तो काम होता है कि वो आकर के लोगों को क्लियर करे क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल, उनको समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, हर कोई हर एक मजहब के लोगों को समझाना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलजुल के ही रहना है तभी तरक्की होगा भिवंडी का, क्योंकि अब इतना बदनामी हो रहा है भिवंडी का कि महाराष्ट्र में यहाँ पे ऐसा हुआ, अभी 10 साल में ऐसा 15 साल में नहीं हुआ कुछ। निश्चित तौर पर आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके यहाँ पे क्या विचार है, और ये वही पर बात आकर के रुक जाती है कि जो समाज के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आए और वो युवा को जो है वो ठीक ठाक सही रास्ते पे चलने की हिदायत है, वरना इस तरीके की जो सोच है वो निश्चित तौर पर समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।